तो ऑफिसर इस इलाके के नौनिसा बैठे हुए हैं, इनके सामने बता रहा हूँ आपको मैं कि देवनार कब्रिस्तान फुल हो चुका है, लेकिन देवनार कब्रिस्तान का काम करवाने के लिए इसका टेंडर निकालना था, एक साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। हम लोग कम से कम 4.5 करोड़ रुपए का काम करवाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन इन मीन टाइम वो पूरा कब्रिस्तान भर गया। तो अब अपने पास छेड़ा नगर का कब्रिस्तान है, लोगों की शिकायत आ रही थी कि छेड़ा नगर में कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जाना पड़ता है अपने को, और दूसरे वार्ड में जाकर वहाँ से सर्टिफिकेट लाना पड़ता है जो बहुत दूर है वहाँ से। आज कमिश्नर से बात करके मैंने ये कर लिया कि अब जो है छेड़ा नगर दफनाने के लिए एक ईस्ट वार्ड ही रसीद दे देगा अपने को, और किसी वार्ड में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से मिलेगा। और 750 रुपीज जो रसीद फटती हुई फटेगी, उसके अलावा ऊपर का कोई रुपया नहीं जाएगा। ये हमने कमिश्नर से बैठ के बात कर लिया है। इसमें कुछ लोग परेशान हो रहे हैं बेचारे, उनको दिक्कत उठानी पड़ रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस कब्रिस्तान में अब कोई जगह बची नहीं है, रह गया कब्रिस्तान हमारे रफी नगर की कब्रिस्तान का टेंडर 30 अप्रैल तक का है। 30 अप्रैल तक नहीं होगा तो हम लोग सरकार से बात कर सकते हैं, लेकिन 28 अप्रैल को हम उसकी इंशाल्लाह हम लोग उसको नहीं कर देंगे। कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, परेशान बेचारे लोग, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए अच्छा काम हो रहा है। जो कब्रिस्तान की जमीन 91 में दी गई थी, 2009 तक कितने लोगों ने वहाँ जो है नारियल फोड़े, क्या किए, लेकिन कुछ ने कुछ नहीं किया। चलो अभी बहुत अच्छी बात है कि ये काम हो रहा है और बहुत अच्छी तरह की कब्रिस्तान बन रही है। सब लोग इंतजार कीजिए, थोड़े दिन तक छेड़ा नगर में दफन होगा, उसके बाद हमारी ये कब्रिस्तान शुरू हो जाएगी रफी नगर की। जैसे रफी नगर कब्रिस्तान शुरू हो जाएगी और हम लोग इसका टेंडर पास करा के हमारी जो देवनार कब्रिस्तान है उसको एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल कब्रिस्तान, अच्छा कब्रिस्तान बनाया जाएगा। इसमें किसी को हैरान होने की जरूरत नहीं, किसी के पेट में कोई दर्द होने की जरूरत नहीं है। ये सब काम हो रहा है, ये ऑफिसर बैठे हुए हैं, इसे आप पूछ सकते हैं कि वहां पर अभी जो है छेड़ा नगर में दफनाने के लिए आपको किसी और वार्ड में जाने की जरूरत नहीं है। आपको एम वार्ड में जहां देवनार में दफनाने के लिए आपको सर्टिफिकेट मिलता था, वहीं से छेड़ा नगर के लिए मिलेगा। और छेड़ा नगर कब्रिस्तान यहाँ करीब में, वहां पे आप लोग जब तक इस्तेमाल करें, चंद दिनों की बात है, उसके बाद हमारी रफी नगर की कब्रिस्तान शुरू हो जाएगी। भाई जो छेड़ा नगर कब्रिस्तान है इसमें 280 तदफीन की जगह है, तो औसतन डेली के 5 जनाजे यहाँ से तदफीन के लिए जाते हैं, तो अगर वो काफी टाइम कम वक्त में वो भर जाएगा तो उसके बाद किधर इंतजाम होगा रफी नगर में, क्योंकि अभी वक्त है, अभी वक्त है। रफी नगर में 28 तारीख हो जाएगा ना, आप लोग दुआ की जिसको कुछ करो मत, वह लोग कोशिश करते हैं 28 तारीख को ना होने पाए, तो वो लोग जरा दूर रहे। 28 तारीख को जो कर रहे काम से करने दिए, 28 तारीख को 27 को काम हो जाएगा। मैं मंडे को 4 बजे कमिश्नर के साथ आ रहा हूँ वहां पर, और हम लोग उसको देख रहे हैं फिर से, हर 3-4 दिन में उसका सर्वे हो रहा है, काम हो रहा है, उसमें कोई रुकावट डालने की कोशिश कोई मत करें। ये देवनार कब्रिस्तान का टेंडर कितने में पास हुआ, कब से काम शुरू हो गया? मैं बोल रहा हूँ आपको, इनको नहीं मालूम, मैं बोलता हूँ आपसे, देवनार कब्रिस्तान का टेंडर पास अभी होगा, टेंडर हो चुका है, रेडी हो चुका है, बहुत फास्ट सुधीर नायक साहब बैठे हुए हैं, बहुत फास्ट फाइल भगा रहे हैं, बहुत जल्द सेटल हो जाएगा। क्या पूछना चाहते हो आप? ये तो बोल दीजिए आपने कि यहाँ पे